एटॉमिक हैबिट्स। दोस्तों यह किताब गुड हैबिट्स यानी अच्छी आदतों को बनाने और बुरी आदतों को खत्म करने का एक प्रैक्टिकल और आजमाया हुआ तरीका बताती है। साइंटिफिक रिसर्च और रियल लाइफ एग्जाम्पल पर बेस्ड यह बुक हमें बताती है कि कैसे बिहेवियर में छोटे छोटे बदलाव नई हैबिट्स को तैयार करते हैं और बड़ी चीजों को हासिल करने में हमारी हेल्प करते हैं। दोस्तों इस किताब के ऑथर जेम्स क्लियर हैं, जो एक एंटरप्रेन्योर हैं और हैबिट्स और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत सारे फायदों पर उनका फोकस रहता है। दोस्तों लाखों करोड़ों लोगों के द्वारा पढ़े जाने वाले एक वीकली न्यूज़लेटर में जेम्स हैबिट्स की साइंस और ह्यूमन बिहेवियर के बारे में लिखते हैं, अपनी खुद की लाइफ की स्टोरीज शेयर करते हैं और बिजनेस, खेल, आर्ट्स और दूसरे क्षेत्रों के टॉप परफॉर्मर्स की लाइफ को भी शेयर करते हैं। आइए सीखते हैं कि कैसे छोटी आदतें आपकी लाइफ पर एक बड़ा प्रभाव डाल सकती है। हाँ दोस्तों, आइए सीखते हैं कि कैसे छोटी आदतें आपकी लाइफ पर एक बड़ा प्रभाव डाल सकती है। आइए इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। आपके अंदर कितनी आदतें हैं दोस्तों? शायद आपको इस सवाल पर सोचने के लिए एक मिनट चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन के अनुसार हैबिट्स या आदतें वो बिहेवियर होते हैं जो बिना सोचे समझे या थोड़ा बहुत सोच समझ कर किए जाते हैं। हमारे सुबह उठकर कॉफी बनाने से लेकर रात में बिस्तर पे जाने से पहले अपने दांतों को ब्रश करने तक हमारी आदतें हमारी डेली लाइफ का हिस्सा होती हैं। इसी वजह से आपको ये रियलाइज ही नहीं हो पाता है कि इन हैबिट्स में कितनी ज्यादा पावर होती है। दिन का एक डॉलर बचाने से लेकर दिन की एक सिगरेट पीने तक इन छोटी छोटी आदतों को अगर रिपीट किया जाए तो यह ताकतवर होती जाती हैं और फिर इनका एक बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए इन आदतों को जान और समझ कर आप लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं और ज्यादा हासिल कर सकते हैं अपनी जिंदगी से। तो दोस्तों इस समरी के दौरान आप बढ़िया तरीके से सीख पाएंगे कि आखिर हैबिट्स हैं क्या, ये कैसे पैदा होती हैं और कैसे आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए इन्हें सुधार सकते हैं। छोटी आदतें भी आपकी लाइफ में एक गजब का ताकतवर प्रभाव डाल सकती हैं। हाँ दोस्तों, छोटी आदतें भी आपकी लाइफ में एक गजब का ताकतवर प्रभाव डाल सकती हैं। आइए इस पॉइंट को डिटेल में सुनते हैं। इमेजिन कीजिए दोस्तों कि एक प्लेन लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क की उड़ान भरता है। अगर टेक ऑफ के दौरान पायलट इसे साउथ डायरेक्शन से 3.5 डिग्रीज थोड़ा मोड़ने का फैसला लेता तो प्लेन की नोज बस कुछ ही फीट घूमती। कॉकपिट के बाहर से इस छोटे से बदलाव को नोटिस करना किसी और के लिए पॉसिबल नहीं होता, लेकिन अगर कंट्री के रूट के हिसाब से देखा जाए तो यह बदलाव बहुत मायने रखता है और कंफ्यूज पैसेंजर्स को यह पता भी नहीं चल पाता कि वह लोग न्यूयॉर्क नहीं बल्कि वॉशिंगटन DC में लैंड करने वाले हैं। हम छोटे बदलाव नोटिस नहीं कर पाते हैं दोस्तों, क्योंकि उनका तुरंत प्रभाव ना के बराबर होता है। अगर आप आज मोटे हैं और आज ही 20 मिनट की जॉगिंग करते हैं तो हो सकता है आप कल भी मोटे ही रहेंगे। ठीक इसी तरह अगर आप डिनर में एक ओवरसाइज्ड पिज्जा खा भी लेते हैं तो आप रातों रात मोटे नहीं होने वाले हैं दोस्तों। लेकिन अगर आप इन छोटी छोटी आदतों को रोज रिपीट करेंगे तो बेशक इनका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। आप डेली एक पिज्जा खाइए और एक साल बाद आपको इसका घातक प्रभाव पता चलेगा। हर रोज 20 मिनट की जॉगिंग कीजिए और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब फिट और स्लिम हो गए हैं। अगर आप अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा कि चेंज के लिए पेशेंस चाहिए होता है, साथ ही आपकी हैबिट्स को सही ट्रैक पर बनाए रखने के लिए कॉन्फिडेंस भी चाहिए दोस्तों, भले ही आप इनके तुरंत प्रभाव को देख ना पाए। तो अगर आपको लगता है कि आपके बिहेवियर्स और हैबिट्स ठीक नहीं जा रहे हैं तो आप अपने करंट रिजल्ट्स की बजाय अपनी करंट स्ट्रैटेजी पर फोकस करिए। अगर आपके बैंक अकाउंट में थोड़ा ही पैसा है लेकिन अगर आप मंथली कुछ ना कुछ सेविंग करते हैं तो आप यह भरोसा कर सकते हैं कि आप सही रास्ते पर जा रहे हों। भले ही आपका करंट रिजल्ट ज़्यादा खास ना हो लेकिन कुछ महीनों या कुछ सालों में इसी डायरेक्शन में लगातार चलते रहने से आप एक बड़ा बदलाव और इम्प्रूवमेंट पाएंगे दोस्तों। ठीक इसी तरीके से एक करोड़पति अगर हर महीने अपनी कमाई को खर्च करता रहे तो उसे कुछ महीनों तक कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन एक ना एक दिन उसे एंड में इसका पछतावा जरूर होगा। तो दोस्तों कुछ बड़ा करना ही अपनी लाइफ में बड़ा बदलाव लाने की चाबी नहीं होती है। आपको अपने बिहेवियर में ना ही कोई क्रांतिकारी परिवर्तन लाना है और ना ही खुद को बदलना है। इसके बजाय आप अपने बिहेवियर में छोटे छोटे चेंजेस ला सकते हैं जो बार बार रिपीट होते हुए आपकी हैबिट बन जाएगी, जो एक बड़ा बदलाव आपकी जिंदगी में लेकर आएगा दोस्तों।
हैबिट्स ऐसे ऑटोमेटेड बिहेवियर्स हैं जो कि हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं। हाँ दोस्तों, हैबिट्स ऐसे ऑटोमेटेड बिहेवियर्स हैं जो कि हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं। आइए इस पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। जब आप अंधेरे कमरे में चलते हैं तो आप ये नहीं सोचते कि आगे क्या करना है, आप बस कैसे ना कैसे लाइट के स्विच तक पहुंचते हैं। यह एक आदत है दोस्तों, ऐसा बिहेवियर जिसे आपने कई बार दोहराया है जो कि अब ऑटोमेटिकली होता चला जाता है। तो हैबिट्स यानी आदतें कैसे बनती हैं दोस्तों? वेल, हमारा ब्रेन ट्रेल प्रोसेस और एरर के थ्रू नई सिचुएशन पर रिस्पॉन्ड करता है। 19वीं सदी के एक साइकैट्रिस्ट एडवर्ड थॉरन डिक ने एक एक्सपेरिमेंट के साथ इसका डेमो दिया था, जहां बिल्लियों को एक ब्लैक बॉक्स में रखा गया था। अनसरप्राइजिंगली हर बिल्ली ने बॉक्स के कोनों को सूंघने और पंजों से उसकी दीवार पर खरोंच कर फौरन बॉक्स से बाहर निकलने की कोशिश की। आखिरकार एक बिल्ली को एक लिवर मिला जिसे दबाने पर वह भागने में कामयाब रही। थॉरन डिक ने फिर उन बिल्लियों को लिया जो सक्सेसफुली बच निकलने में कामयाब हुई थी और फिर से अपने एक्सपेरिमेंट को दोहराया। इसका रिजल्ट क्या रहा दोस्तों? वेल, कई बार बॉक्स में डालने के बाद हर एक बिल्ली ने कोई ना कोई ट्रिक सीखी। एक मिनट या उससे ज्यादा टाइम तक इधर उधर छटपटाने के बजाय बिल्लियां सीधे लिवर की तरफ गईं। 20 या 30 कोशिशों के बाद एक एवरेज बिल्ली केवल 6 सेकंड्स में बच निकल सकती थी। दूसरे शब्दों में कहें तो यह बॉक्स से बाहर निकलने के प्रोसेस की हैबिचुअल हो गई थी। थॉरन डिक ने पाया कि कैसे बिहेवियर जो सैटिस्फाइंग रिजल्ट्स देते हैं, जैसा कि बिल्लियों के इस मामले में फ्रीडम हासिल करना था, तो जब तक वे ऑटोमेटिक नहीं हो जाते तब तक उनको रिपीट किया जाता है। 19वीं सदी की इन बिल्लियों की तरह हम भी लाइफ में कई कठिनाइयों और भविष्य के सैटिस्फाइंग सॉल्यूशन के लिए ठोकर खाते रहते हैं दोस्तों, और शुक्र है कि अब हम थोड़ा बहुत समझ गए हैं कि आदतें कैसे काम करती हैं। आदतें एक सिग्नल या एक ट्रिगर से शुरू होती है। एक अंधेरे कमरे में चलना आपको एक एक्शन लेने के लिए सिग्नल देता है जो आपकी नजरों को काम पर लगने के लिए तैयार करेगा दोस्तों। इसके बाद हालात में चेंज लाने की इच्छा होती है, जो कि इस केस में स्विच को देखने में केपेबल होने के लिए है। फिर हमारे रिस्पॉन्स या एक्शन आते हैं, जैसे लाइट के स्विच को ढूंढना। इस प्रोसेस के फाइनल स्टेप में और हर हैबिट का एंड गोल एक इनाम होता है। यहाँ यह उस हल्की सी राहत और रिलैक्सेशन के रूप में आता है जो आप में रोशनी में अपने आसपास की जगहों को देखने से आती है, क्योंकि आप स्विच ऑन करेंगे तो कमरे में रोशनी आ जाएगी और आप सब चीजों को ध्यान से देख पाएंगे। तो दोस्तों, हर आदत सेम प्रोसेस के अंडर आती है। क्या आप आदतन हर सुबह कॉफी पीते हैं दोस्तों? जागना आपका क्यू या सिग्नल है जो कि आपके अलर्ट रहने की इच्छा या लालसा को ट्रिगर करता है। इसके बदले में आपका रिस्पॉन्स यह होता है कि आप अपने आप को बिस्तर से बाहर खींचें और एक कप जॉय का यानी कॉफी का बनाएं। तो यहाँ इनाम दुनिया का सामना करने के लिए अलर्ट और तैयार होना है। हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर इनाम दुनिया का सामना करने के लिए अलर्ट और तैयार होना है। लेकिन ऑफ कोर्स सभी आदतें यानी हैबिट्स हमारे लिए अच्छी नहीं होती हैं। अब जब हम समझ ही चुके हैं कि आदतें कैसे काम करती है, तो आइए अपनी लाइफ को बेहतर बनाने वाली पॉजिटिव हैबिट्स को बनाने पर ध्यान देते हैं दोस्तों। नई हैबिट्स को बनाने के लिए एक पक्की इच्छा और एक एक्शन प्लान की जरूरत है। हाँ दोस्तों, एक नई हैबिट को बनाने के लिए एक पक्की इच्छा और एक एक्शन प्लान की जरूरत है। आइए दोस्तों, इस पॉइंट को डिटेल में सुनते हैं। हम सभी के कुछ क्यूज या सिग्नल या इच्छाएं होती हैं जो कुछ आदतों को ट्रिगर करती हैं। उदाहरण के लिए आपको फोन की आवाज आपके मैसेजेस को चेक करने के लिए क्यू है, और एक बार जब आप यह बात समझ जाते हैं कि कुछ स्टिमुलाई यानी उत्तेजनाएं हैबिचुअल बिहेवियर को प्रमोट कर सकती हैं, तो आप अपनी आदतों को बदलने के लिए इस नॉलेज का यूज कर सकते हैं। कैसे? खैर, इसका एक तरीका यह है कि अच्छी आदतों को प्रमोट करने के लिए अपने माहौल और जनरल एनवायरनमेंट को बदलिए दोस्तों। हमारे माहौल में सिंपल से चेंजेस भी एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अपने क्यू को जितना पॉसिबल हो सके तो क्लियर रखें, ताकि उन पर रिस्पॉन्ड देने की ज्यादा पॉसिबिलिटी रहे आपको। हम में से ज्यादातर लोग अपने इरादों के बारे में बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। जैसे बॉस्टन में रहने वाली एक डॉक्टर एनी थॉर्न डिक का ही काम ले लीजिए। वे अपने मरीजों में कॉन्शियस डिसीजन लेने की जरूरत के बिना ही उनकी डाइटरी हैबिट्स में सुधार करना चाहती थी। तो उन्होंने ये कैसे किया? उन्होंने हॉस्पिटल के कैफेटेरिया में कुछ चेंजेस किए। ओरिजिनली कैश रजिस्टर के बगल में रेफ्रिजरेटर में सिर्फ सोडा होता था, तो थॉर्न डिक ने ना सिर्फ वहां बल्कि हर दूसरे ड्रिंकिंग स्टेशन पर बस पीने का पानी ही रखवाया। 3 महीने में सोडा की बिक्री में 11% की गिरावट आई, जबकि पानी की बिक्री में 25% की बढ़ोतरी हुई दोस्तों। लोग हेल्दियर चॉइसेस अपना रहे थे,
सिर्फ इसलिए कि अब उनके लिए सोडा के बजाय पानी पीने के लिए क्यू यानी इच्छा ज्यादा अहम थी। तो अच्छी आदतों को प्रमोट करने के लिए अपने माहौल और जनरल एनवायरनमेंट को बदलिए दोस्तों। हमारे माहौल में सिंपल से चेंजेस भी एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अपने क्यू को जितना पॉसिबल हो सके तो क्लियर रखिए दोस्तों उसको बहुत, ताकि उन पर रिस्पॉन्ड देने की ज्यादा पॉसिबिलिटी बनी रहे। हम में से ज्यादातर लोग अपने इरादों के बारे में बहुत ही कंफ्यूज्ड रहते हैं। क्या आप गिटार प्रैक्टिस करना चाहते हैं दोस्तों? तो गिटार को कमरे के सेंटर में रख दीजिए। हेल्दियर स्नैक्स खाने की कोशिश में है दोस्तों, तो उनको सैलड ड्रॉअर में छोड़ने की बजाय काउंटर पर रख दीजिए। अच्छी आदतों को प्रमोट करने के लिए अपने माहौल और जनरल एनवायरनमेंट को बदलना ही होगा आपको। हमारे माहौल में सिंपल से चेंजेस भी एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अपने क्यू को जितना पॉसिबल हो सके उतना क्लियर रखिए। मैं फिर से कहूंगा, अपने क्यू को जितना पॉसिबल हो सके उसको क्लियर रखिए, ताकि आप उन पर रिस्पॉन्ड देने की ज्यादा पॉसिबिलिटी रखें। हम में से ज्यादातर लोग अपने इरादों के बारे में बहुत ही कंफ्यूज्ड रहते हैं। हाँ दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग अपने इरादों के बारे में बहुत ही कंफ्यूज्ड रहते हैं। क्यूज को स्ट्रॉन्ग करने का एक दूसरा शानदार तरीका है इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस। अच्छी आदतों को प्रमोट करने के लिए अपने माहौल और जनरल एनवायरनमेंट को बदलिए। हमारे माहौल में सिंपल से चेंजेस भी एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं दोस्तों। अपने क्यू को जितना पॉसिबल हो सके क्लियर रखिए। मैं वापस इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि ये आपको बार बार समझना बहुत जरूरी है, ताकि आप उन पर रिस्पॉन्ड देने की ज्यादा पॉसिबिलिटी रख सके। हमें से ज्यादातर लोग अपने इरादों के बारे में बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। हम कहते हैं कि मैं अच्छा खाना खाने जा रहा हूं, और बस हम सिर्फ ऐसा बोलकर ही उम्मीद करते हैं कि हम इसका पालन करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन एक्शन का एक क्लियर प्लान ऑफर करता है, जिसे आप कब और कहां करना चाहते हैं उसे अपनी हैबिट के हिसाब से कैरी कर सकते हैं। और रिसर्च से पता चलता है दोस्तों कि यह तरीका काम करता है। यूनाइटेड स्टेट्स में वोटर्स की एक स्टडी में पाया गया कि जिन सिटीजन से यह सवाल पूछे गए थे कि जैसे कि आप किस वक्त वोट देंगे और आप वोटिंग स्टेशंस पर कैसे पहुंचेंगे, असल में उन लोगों के वोट करने की संख्या उन दूसरे लोगों की तुलना में ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी थी, जिन्हें सिर्फ यह पूछा गया था कि क्या वो वोट देंगे। तो सिर्फ यह ना कहें कि मैं ज्यादा से ज्यादा दौड़ूंगा, इसकी बजाय आप यह कहें कि मैं मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को जब भी अलार्म बजेगा तो सबसे पहली बात यह होगी कि मैं अपने पैरों में जूते डालूंगा और 2 माइल्स तक दौड़ूंगा। तो फिर इसके लिए अपने रनिंग शूज को बाहर ऐसी जगह पर रख दें जहां आप उन्हें देख पाए। आप अपने आप को एक क्लियर प्लानिंग और एक क्लियर सिग्नल दोनों दीजिए दोस्तों, और यह सब आपको सरप्राइज कर सकता है कि यह रियल में इन पॉजिटिव हैबिट्स को बिल्ड करना कितना आपके लिए इजी बना देगा। इंसान इनाम या पुरस्कार की आशा में मोटिवेट होते हैं, तो अपनी हैबिट्स को कुछ इस तरीके से अट्रैक्टिव बनाइए कि आप उनसे जुड़े रहें। हाँ दोस्तों, इंसान इनाम या पुरस्कार की आशा में मोटिवेटेड रहता है, तो अपनी हैबिट्स को कुछ इस तरीके से अट्रैक्टिव बनाइए कि आप उससे जुड़े रहें। आइए इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो 1954 में न्यूरोसाइंटिस्ट जेम्स ओल्ड्स और पीटर मिलनर ने इंसान की इच्छा की न्यूरोलॉजी का टेस्ट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। इलेक्ट्रोड्स का यूज करते हुए उन्होंने चूहों में न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन की आवाजाही को ब्लॉक कर दिया। उनको यह जानकर हैरानी हुई कि चूहों ने सिंपली जीने की इच्छा ही खो दी थी। उन्हें खाने पीने, बच्चे पैदा करने या कुछ और करने की कोई इच्छा ही नहीं थी। उसके कुछ दिनों के बाद वे सभी प्यास से मर गए। ह्यूमन ब्रेन एक हार्मोन डोपामिन को रिलीज करता है दोस्तों, जो हमें तब अच्छा फील कराता है जब हम कोई प्लीजिंग चीज करते हैं, जैसे कि खाना खाते हैं या सेक्स करते हैं। लेकिन जब हम सिर्फ उन प्लीजिंग एक्टिविटीज का आइडिया लगाते हैं तो हमें अच्छा खासा डोपामिन सप्लाई होता है, तो यह हमें आगे बढ़ने और हकीकत में चीजों को करने के लिए इनकरेज करने का ब्रेन का एक तरीका होता है। तो ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम में कुछ पाने की इच्छा कुछ बड़ा हासिल करने के बराबर होती है, और यह समझने की दिशा में बहुत हेल्पफुल है कि बच्चे क्रिसमस के आने को इतना एंजॉय क्यों करते हैं। और यह इस बात को भी समझाता है कि क्यों आप अपनी आने वाली डेट के बारे में ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं। तो आदतों को बनाने की कोशिश करते वक्त हम इस नॉलेज को अपने फायदे में बदल सकते हैं दोस्तों। अगर हम कुछ ऐसी आदतें बनाते हैं जिसके लिए हम तैयार हैं, तो हम इसका पालन करने की ज्यादा पॉसिबिलिटी रखते हैं और रियल में वैसा ही करते हैं। तो इसके लिए एक बढ़िया टेक्निक टेम्पटेशन बिल्डिंग होता है। जब आप ऐसे बिहेवियर करते हैं जिसे आप इम्पॉर्टेंट समझते हैं लेकिन वो आप कर नहीं पा रहे हैं, और फिर उसे उस बिहेवियर से जोड़ते हैं जिसे आप अक्सर करते हैं, तो ये आइडिया उसके लिए मोटिवेट करने वाला डोपामिन को पैदा करता है। आयरलैंड में इंजीनियरिंग स्टूडेंट रोनन बेर्न
को मालूम था कि उन्हें ज्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन उन्हें वर्कआउट करने में ज्यादा मजा नहीं आता था, हालांकि उन्हें नेटफ्लिक्स देखने में ज्यादा मजा आता था। इसलिए उन्होंने एक एक्सरसाइज बाइक को कुछ इस तरीके से हैक किया और उसे एक राइटिंग कंप्यूटर कोड से अपने लैपटॉप से कनेक्ट किया, जो सिर्फ तभी नेटफ्लिक्स को रन करने की परमिशन देता था जब वह बाइक पर एक खास स्पीड से साइकिलिंग करते थे। कितना इनोवेटिव आइडिया है ना दोस्तों, पर ये काम करता है। तो लिटरली एक ऐसे बिहेवियर के साथ एक्सरसाइज को जोड़ना जो कि उनकी कमजोरी थी, रोनन ने एक उबाऊ एक्टिविटी को भी एक मजेदार एक्टिविटी में बदल दिया था। तो इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए आपको एक इंजीनियर होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर आपको वर्कआउट करने की जरूरत है लेकिन आपको लेटेस्ट ए लिस्ट गॉसिप पढ़ने का शौक भी है, तो आप उन मैगजीन्स को सिर्फ तभी पढ़ें जब आप जिम में हो। अगर आप स्पोर्ट्स देखना चाहते हैं लेकिन उस वक्त आपको सेल्स कॉल करने की जरूरत है, तो आप खुद से वादा करें कि ESPN पर स्पोर्ट्स देखते वक्त आप हर एक आधे घंटे में 10 लोगों को कॉल जरूर करेंगे। जल्दी आप उन उबाऊ कामों को भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं दोस्तों, क्योंकि उनको करने से आपको बदले में मजेदार एक्सपीरियंस और इनाम जो मिलते हैं। हाँ दोस्तों, अगर हम इस तरीके से बना लेंगे कि भैया इनाम मिलेंगे ही, तो ये काम करेगा दोस्तों, इसको ट्राई कर सकते हैं आप। अगर आप एक नई हैबिट को बनाना चाहते हैं तो ऐसी हैबिट को चुनें जो आपके लिए अपनाना पॉसिबल हो। हाँ दोस्तों, अगर आप एक नई हैबिट को बनाना चाहते हैं तो ऐसी हैबिट को चुनें जो आपके लिए अपनाना पॉसिबल हो। आइए इस पॉइंट को डिटेल में सुनते हैं। दोस्तों, हम अक्सर ऐसे बिहेवियर पे बहुत टाइम बिताते हैं जो ईजी होते हैं। उदाहरण के लिए सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने में जीरो एफर्ट लगता है दोस्तों, इसलिए हमारे लिए वहां अपना ज्यादातर टाइम बिताना आसान होता है। इसके उलट 100 पुशअप्स लगाना या मैंडरिन चाइनीज सीखना, इसमें बहुत एफर्ट लगाने की जरूरत होती है दोस्तों। इन बिहेवियर को रोज तब तक रिपीट करना जब तक कि आप इनके हैबिचुअल ना हो जाओ, ये बहुत ही टफ होता है दोस्तों। इसलिए बिहेवियर को पॉसिबली इजी बनाना आपको हैबिट्स में बदलने की चाबी होता है। फॉर्चुनेटली कुछ ट्रिक्स हैं जिन्हें हम इनको इजी बनाने के लिए अपना सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले रिड्यूसिंग फिक्शन पर ध्यान देना होता है। ऑथर हमेशा ग्रीटिंग कार्ड्स भेजने में नाकाम रहते हैं, जबकि उनकी वाइफ ऐसा करने में कभी भी फेल नहीं होती है। क्यों दोस्तों? वेल, वह घर पर ग्रीटिंग कार्ड्स का एक बॉक्स रखती है जिससे कभी भी किसी भी ओकेशन पर उनके लिए किसी को भी बधाई या संवेदना भेजना आसान हो जाता है, क्योंकि उन्हें बाहर जाना नहीं पड़ता और कार्ड खरीदना नहीं पड़ता। तो जब किसी की शादी होती है या कोई हादसा होता है तो उनको किसी को भी मैसेज या ग्रीटिंग भेजने में कोई फ्रिक्शन यानी रुकावट का सामना महसूस नहीं करना होता। बुरी आदतों के लिए फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए आप इस नजरिए का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप टीवी के सामने कम वक्त बर्बाद करना चाहते हैं तो इसे अनप्लग करें और बैटरीज को रिमोट से बाहर निकाल दें। ऐसा करने से आपको सिर्फ यही फ्रिक्शन मिल पाएगा कि जब भी आपको रियल में इसकी जरूरत होगी आप तभी टीवी देख पाएंगे। लॉन्ग टर्म में एक हैबिट को इजी बनाने के लिए दूसरी ट्रिक द 2 मिनट रूल है, जो किसी भी नई एक्टिविटी को मैनेज करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है दोस्तों। प्रिंसिपल यह होता है इसका कि किसी भी एक्टिविटी को 2 मिनट के अंदर करने लायक हैबिट में तब्दील किया जा सकता है। क्या इसके बारे में आप और जानना चाहते हैं दोस्तों? तो फिर हर वीक एक किताब पढ़ने के लिए कमिटेड होने के बजाय आप उस किताब के 2 पेजेस हर रात पढ़ने की आदत डाल सकते हैं। क्या आप मैराथन दौड़ना चाहते हैं? तो बस काम के बाद हर दिन अपने रनिंग गियर्स को पहनने की कमिटमेंट करिए दोस्तों, सिर्फ पहनने की कमिटमेंट करिए। द 2 मिनट रूल आसानी से अपनाने लायक आदतों को बनाने का एक अच्छा तरीका है। हो सकता है आपको लगे कि ये इतना अच्छा तरीका कैसे हो सकता है, पर आप करके देखिए, इसके बहुत अच्छे टाइम टेस्टेड रिजल्ट्स आए हैं और ये आपको ज्यादा से ज्यादा चीजों तक ले जा भी जाएगा। एक बार जब आप अपने रनिंग शूज को पहन लेते हैं तो आप शायद एक बार दौड़ने के लिए बाहर निकलेंगे ही। एक बार जब आप 2 पेजेस पढ़ लेते हैं तो पॉसिबिलिटी है दोस्तों कि आप इसको कंटिन्यू करेंगे ही। यह रूल मानता है कि जस्ट स्टार्ट करना ही कुछ करने की दिशा में पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। अपनी हैबिट्स को एक सैटिस्फाइंग एक्सपीरियंस में बदलना आपके इफेक्टिव बिहेवियर चेंज के लिए बेहद जरूरी है। हाँ दोस्तों, अपनी हैबिट्स को एक सैटिस्फाइंग एक्सपीरियंस में बदलना आपके इफेक्टिव बिहेवियर चेंज के लिए बेहद जरूरी है। आइए इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। 1990 के दशक में पाकिस्तान के कराची के नज़दीक काम करने वाले पब्लिक हेल्थ रिसर्च स्टीफन लूबी ने लोकल चिल्ड्रन में डायरिया में 52% की भारी कमी हासिल की थी। निमोनिया के अंदर 48% और स्किन इन्फेक्शन में 35% की गिरावट देखी गई। तो लूबी का सीक्रेट क्या था दोस्तों?
एक अच्छा साबुन। हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा साबुन। तो लूबी को पता था कि बीमारी को कम करने के लिए हैंड वॉशिंग और बेसिक सैनिटेशन जरूरी था। लोकल्स ने यह भी समझा कि वे अपनी नॉलेज को एक आदत में नहीं बदल रहे हैं। तो जब लूबी ने प्रॉक्टर एंड गैम्बल के साथ आसपास में एक प्रीमियम सोप को मुफ्त में पेश किया तो सब कुछ बदल गया दोस्तों। वहां रात भर हैंड वॉश करना एक सैटिस्फाइंग एक्सपीरियंस बन गया था। नया साबुन आसानी से फोम बनाता था और एक भीनी सी खुशबू छोड़ देता था। अचानक हर कोई अपना हाथ धो रहा था क्योंकि यह अब एक सुखद एहसास जो हो चुका था। बिहेवियरल चेंज यानी व्यवहार परिवर्तन के लिए लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट रूल हैबिट्स को सैटिस्फाइंग बनाना होता है दोस्तों। हैबिट्स को सैटिस्फाइंग बनाना बेहद जरूरी है अगर आप उसको कंसिस्टेंट रखना चाहते हैं तो। इवोल्यूशनरी रीजंस की वजह से यह डिफिकल्ट हो जाता है दोस्तों। आज हम ऐसे माहौल में रह रहे हैं जिसे एकेडमिक तौर पर एक डिलेड रिटर्न एनवायरनमेंट कहते हैं। आप आज ऑफिस में जाते हैं लेकिन रिटर्न में तनख्वाह महीने के लास्ट में ही आती है। आप सुबह जिम जाते हैं लेकिन आप रात भर के अंदर ही यानी ओवरनाइट ही वजन कम नहीं कर लेते हैं अपनी बॉडी का। हालांकि हमारा दिमाग पहले के इंसानों के इमीडिएट रिटर्न एनवायरनमेंट को बदलने के लिए विकसित हुआ था, जो लॉन्ग टर्म रिटर्न्स के बारे में नहीं सोच रहे थे, जैसे कि रिटायरमेंट के लिए सेविंग करना या किसी डाइट से चिपके रहना। वे अपने अगले खाने का इंतजाम करते, छत की तलाश करते और आसपास मौजूद किसी भी शेर से बचने के लिए जरूरी रूप से अलर्ट रहने जैसी इमीडिएट कंडीशन पर ही फोकस्ड करते। ऐसे ही तो थे हमारे एंसेस्टर्स। इमीडिएट रिटर्न्स बुरी आदतों को भी इनकरेज कर सकता है दोस्तों। हाँ, स्मोकिंग आपको 20 सालों में लंग कैंसर दे सकता है, लेकिन उस इमीडिएट कंडीशन में ही आपके स्ट्रेस को दूर करता है और आपकी निकोटीन की लालसा को पूरा करता है। इसका मतलब है कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को इग्नोर कर सकते हैं और सिगरेट को पीना जारी रख सकते हैं। इसलिए जब आप डिलेड रिटर्न्स के साथ हैबिट्स को फॉलो कर रहे हैं तो उनमें कुछ इमीडिएट सैटिस्फेक्शन देने की भी कोशिश करिए दोस्तों। उदाहरण के लिए ऑथर की जान पहचान के कपल थे जो कि घर के बाहर खाना खाना कम करना चाहते थे, घर में ज़्यादा खाना बनाना चाहते थे, हेल्दी खाना बनाना चाहते थे, हेल्दी बनना चाहते थे और पैसे बचाना चाहते थे। तो ऐसा करने के लिए उन्होंने ट्रिप टू यूरोप नाम का एक सेविंग अकाउंट खोला और हर बार जब वे बाहर खाना खाने नहीं जाते थे तो उसकी बचत में $50 को अकाउंट में जमा कर देते थे। उस सेविंग अकाउंट में $50 की छोटी रकम के उस इमीडिएट इफेक्ट ने उन्हें लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड और रिजल्ट्स के लिए मोटिवेट रखा। हालांकि हम आदतों को प्लेजेंट और सैटिस्फाइंग बना तो देते हैं दोस्तों, पर तब भी पॉसिबिलिटी है कि आप उसको फॉलो करने में नाकाम हो सकते हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं कि हम अपने अच्छे इरादों से कैसे चिपके रह सकते हैं। ट्रैकर्स और कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए एक ऐसा फ्रेमवर्क या तरीका बनाया जाए जो कि आपकी हैबिट्स को ट्रैक पर रख सके। हाँ दोस्तों, ट्रैकर्स और कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए एक ऐसा फ्रेमवर्क या तरीका बनाया जाए जो कि आपकी हैबिट को ट्रैक पर रखे। आइए इस पॉइंट को डिटेल में सुनते हैं। भले ही आप एक जर्नल लिखने की कोशिश कर रहे हो दोस्तों या स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश में हो, अपने खुद के बिहेवियर्स को मैनेज करना बहुत ही हार्ड होता है। शुक्र है कि कुछ ऐसे सरल पैमाने हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। हैबिट ट्रैकिंग एक सिंपल लेकिन इफेक्टिव टेक्निक है। कई लोग अपनी हैबिट्स का रिकॉर्ड रखते हैं। इस टेक्निक्स को इजाद करने वालों में से एक है बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो 20 साल की उम्र से ही फ्रैंकलिन एक नोटबुक रखा करते थे अपने साथ, जिसमें वो 13 पर्सनल अच्छी आदतों को लिख लिया करते थे, जिसमें से उनके कुछ गोल्स होते थे जो कि बेफिजूल की बातों से दूर रहना और हमेशा कुछ ना कुछ यूजफुल सीखना। वे हर रात अपनी सक्सेस को भी नोट किया करते थे। ठीक ऐसे ही आप भी एक डायरी या कैलेंडर की हेल्प से हैबिट ट्रैकर बना सकते हैं और हर रोज उसे चेक करके यह जान सकते हैं कि क्या आप अपने चूज किए हुए बिहेवियर को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि हैबिट ट्रैकिंग अपने आप में एक अट्रैक्टिव और सैटिस्फाइंग हैबिट है। तो आप देखेंगे कि यह आपके लिए बहुत इफेक्टिव साबित होगी। इसे चिपके रहना और रोज अपनी प्रोग्रेस को चेक करना आपको अच्छा फील करवाएगा और आपको मोटिवेट रखेगा। दूसरी टेक्निक एक हैबिट कॉन्ट्रैक्ट को डेवलप करना है, जो कि आपके अपने ट्रैक से फेल होने पर आपको नेगेटिव रिजल्ट्स और फाइन देगा। नैशविले में एक एंटरप्रेन्योर ब्रायन हैरिस अपने हैबिट कॉन्ट्रैक्ट को बहुत ही सीरियसली लेते हैं। उनकी वाइफ और उनके पर्सनल ट्रेनर के बीच साइन हुए कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने यह कमिट किया था कि वे अपना वजन 200 पाउंड तक ले आएंगे यानी कम करेंगे। उन्होंने इस गोल तक पहुंचने के लिए खास हैबिट्स को अपनाया, जिसमें उनके डेली फूड को ट्रैक करना और हर वीक अपना वजन को मापना यानी वे करना शामिल था। फिर उन्होंने ऐसा नहीं करने पर खुद के लिए पेनल्टीज भी सेट की।
जैसे कि अगर वह अपने खाने को कंट्रोल करने में फेल होते हैं तो उन्हें अपने ट्रेनर को $1,000 देने होंगे। कैन यू इमेजिन दोस्तों, कि अगर वो अपने खाने को कंट्रोल करने में फेल होते हैं तो वो अपने ट्रेनर को $1,000 देंगे, और अगर वह अपना वजन बढ़ाते हैं तो वह अपनी वाइफ को $500 देंगे। इस तरीके ने काम किया इसलिए नहीं क्योंकि उनको अपने डॉलर गंवाने का डर था, बल्कि इसलिए कि वह उन लोगों के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहते थे जो उनके अजीज थे। हाँ दोस्तों, हम उन लोगों के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहते हैं जो हमारे अजीज होते हैं। ह्यूमंस सोशल एनिमल होते हैं दोस्तों, ये हमारे को समझना होगा। हमारे आसपास के लोगों का ओपिनियन हमारे लिए मायने रखता है, इसलिए सिंपली इस बात को समझना कि कोई ना कोई हमें देख रहा है, ये हमारी सक्सेस के लिए एक पावरफुल मोटिवेटर होता है। तो क्यों ना आप अपने लिए एक हैबिट कॉन्ट्रैक्ट को सेट कर लीजिए दोस्तों, भले ही ये हैरिस की तरह आपके पार्टनर, आपके बेस्ट फ्रेंड या आपके किसी कोवर्कर के साथ एक डिटेल्ड कमिटमेंट ना हो, पर अगर आप अपनी नाकामी की कोई सज़ा खुद के लिए सेट करते हैं तो इससे आपको अपनी हैबिट से चिपके रहने में ज़्यादा मदद मिलेगी। और जैसे कि हम देखते हैं कि एक पॉजिटिव हैबिट से जुड़े रहना फिर भले ही ये छोटी ही क्यों ना हो, वह लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करने का एक पक्का रास्ता होती ही है दोस्तों। तो अमेजिंग किताब थी दोस्तों, मुझे तो बड़ा मज़ा आया इस किताब को पढ़ने में, इस बुक की समरी को बनाने में। मैं चाहता हूँ कि अंत में इस किताब के कुछ मेन पॉइंट्स आपके सामने दोहराऊँ। पहला, हम अक्सर ऐसे बिहेवियर पे बहुत टाइम बिताते हैं जो इजी होते हैं। उदाहरण के लिए सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने में जीरो एफर्ट लगता है, इसलिए हमारे लिए वहाँ अपना ज़्यादातर टाइम बिताना आसान है। तो अगर आप एक नई हैबिट को बनाना चाहते हैं तो ऐसी हैबिट को चुनें जो आपके लिए अपनाना पॉसिबल हो दोस्तों। दूसरा, हम छोटे बदलाव नोटिस नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका तुरंत प्रभाव ना के बराबर होता है। अगर आप अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज चाहते हैं तो आपको ये समझना होगा कि चेंज के लिए पेशेंस चाहिए होता है दोस्तों, साथ ही आपकी हैबिट को सही ट्रैक पर बनाए रखने के लिए कॉन्फिडेंस भी चाहिए होता है, भले ही आप इसके तुरंत प्रभाव को देख ना पाए। तीसरा, हैबिट्स ऐसे ऑटोमेटेड बिहेवियर्स हैं जो कि हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं। हमारा ब्रेन ट्रेल प्रोसेस और एरर के थ्रू नई सिचुएशंस पर रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन सभी आदतें हमारे लिए अच्छी नहीं होती हैं दोस्तों। तो हमें अपनी लाइफ को बेहतर बनाने वाली पॉजिटिव हैबिट्स को बनाने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, हमारे माहौल में सिंपल से चेंजेस भी एक बड़ा बदलाव हमारी ज़िंदगी में ला सकते हैं। तो अच्छी आदतों को प्रमोट करने के लिए अपने माहौल और जनरल एनवायरनमेंट को बदलिए दोस्तों। हम में से ज़्यादातर लोग अपने इरादों के बारे में बहुत ही कन्फ्यूज्ड रहते हैं, तो अपने क्यू को जितना पॉसिबल हो सके क्लियर रखिए ताकि आप उन पर रिस्पॉन्ड देने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी रखिए। तो दोस्तों, अंत में आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके बिहेवियर में एक छोटा सा बदलाव हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक रात में ही वो बदलाव नहीं ला सके जो आप चाहते हैं, लेकिन फिर भी अपने बिहेवियर को एक ऐसे हैबिट में बदलना जिसे आप डेली रिपीट करते रहें तो ये यकीनन एक बड़ा बदलाव आपकी ज़िंदगी में लेके आएगा। अपनी लाइफ को चेंज करने का ये मतलब कतई नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता दोस्तों, कि आप कुछ बड़ा करें या कोई क्रांति ही लेके आएँ। वो ला रहे हैं तो ठीक है, पर वो बड़े एक्सेप्शनल लोग होते हैं, बल्कि इसका मतलब ये तो होता ही है क्योंकि मेजॉरिटी लोग जो हम सब हैं वो अपनी आदतें यानी हैबिट्स का एक ऐसा सिस्टम बनाएं जिसको कंबाइन करके हम अपनी ज़िंदगी में वैल्यूएबल रिजल्ट्स ला पाएं। हमेशा याद रखिए दोस्तों, छोटे छोटे बदलाव सुनहरे बदलाव बनते हैं। स्मॉल स्मॉल चेंजेस विल बिकम मॉन्यूमेंटल चेंजेस इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इस बुक को खरीद सकते हैं। दोस्तों, हम हमेशा से चाहते हैं कि आप अपना बेस्ट वर्जन बने और सफलता और खुशी अपनी ज़िंदगी में दोनों हासिल करें। अधिक से अधिक लोगों की ज़िंदगी में आप अपने टैलेंट से पॉजिटिव चेंज लाने में उनकी मदद करें। इसी एफर्ट के चलते उड़ान NGO चैनल पर हम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ किताबों की समरी सरल और आसान भाषा में डाल रहे हैं दोस्तों। हमारी अधिक से अधिक समरी सुने और उन्हें अपने जीवन में लगाएं, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में डालते रहें। और अगर आपको हमारी कोई भी समरी पसंद आती है तो उसे अपने जानकारों के साथ अवश्य शेयर करें। दोस्तों, आप हमारी समरीज को किताबी कीड़े ऐप पर भी सुन सकते हैं। दोस्तों, हो सकता है कि आप अपने जीवन में काफी सफल हों या सफल बनने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हों, मगर कुछ अनजाने कारणों से आप अपने और अपने गोल्स के बीच कुछ चैलेंज महसूस कर रहे हैं, कुछ ब्लॉक्स महसूस कर रहे हैं। तो मैं आदि गुरुदास आपकी इसमें पर्सनली मदद कर सकता हूं दोस्तों, 1-on-1 कोचिंग सेशन लेके। तो दोस्तों, यदि आप अपने लिए पर्सनल कोचिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं या मुझसे एग्जैक्टिव कोचिंग लेना चाहते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई कोचिंग सेशन लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप मुझे 9829644744 या 9024023331 पर संपर्क कर सकते हैं।
आप हमें नंबर्स पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं दोस्तों, हमारे काउंसलर्स आपसे संपर्क करेंगे। धन्यवाद।